हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, राम राम सीताराम। उसी के साथ हमारी दिन की शुरुआत करते हैं। तो देख लीजिए भाई, आज तो पूरा पर्दा बंद रख के रूम रखा था, क्योंकि धूप के हिसाब से पूरा गर्म हो जाता है। और हमारे जय भाई इधर बैठे। गुड मॉर्निंग जय भाई। गुड मॉर्निंग। क्या क्या सुबह सुबह में क्या चल रहे है? हमारा जय भाई, जब मैं वर्कआउट कर रहा था तभी ब्रेकफास्ट कर लिया है, इसलिए हमारा ब्रेकफास्ट है अभी बाकी। अभी बज गए सुबह के 9:30। और हमारे रोहित भाई भी इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं। और कल हम वीडियो नहीं रख पाए थे, कल पूरे दिन काम में रहे थे, क्योंकि काफी सारे दिनों से हमने काम ही नहीं किया है। और इधर दाल पलट दी है, लगता है दूधी दाल का शाक बनाने का है, दाल देख के ही पता चलता है। तो गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्णा, क्या चल रहा है? तो अभी ये लोग सब रसोई की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। तो चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूंगा, तब तक आप हरिद्वार का वीडियो देख लो। थोड़ा सा पापा ने भेजा है, क्या क्या भेजा है वो दिखा देता हूँ आपको। हेलो, हर हर महादेव, की जय। डमरू वगाड़ो, डमरू वागे, के बज चुके 12:30। और हम लोग नीचे देख लो, दादा को खिला रहे हैं। दादा खा रहे, इसका ध्यान रखेंगे, तब तक हम ऊपर खा के आ जाते हैं, फिर हम खा के नीचे आएंगे ना, तब तक माँ को खिला, तब नीचे आएंगे, तब बात जम लेंगे। अभी जाते हैं ऊपर, क्या क्या बनाया देख लेते हैं। दूधी दाल का शाक तो बनाया था, वो तो पक्का ही था, अभी ऊपर जाके देख लो। पहुँच चुके हैं ऊपर, और देख लो इधर हमारा भाई खाना खा लिया क्या? बाकी है, सुबह सुबह में कहाँ पे चले गए थे आप? इधर ही था, कुछ न्यूज व्यूज अभी 2 दिन से दिया नहीं रहे हो? आप काम में था, मैं भी मेरे हिसाब से काम में था। और इधर जय भाई भी आगे चुके हैं खाना खाने के लिए, तो चलिए खाना खाते हैं और देखते अभी रेडी हो गया है क्या बनाया है। तो चलिए, बन गया है, रेडी हो गया है, क्या बनाया है? खिचड़ी बनाई थी, तो मैं सिर्फ खिचड़ी खाऊंगा। देख लीजिए, बन चुकी है खिचड़ी। और इधर ये हमारा दूधी दाल का चार, इसमें क्या है, गुंदा का संभार, सास रोटी लपटेंगे, और इसमें दही। दही मेरा फेवरेट है, आज मैं खा लूंगा, कल खाया था तो मेरे को थोड़ा सर्दी ऐसा हो गया था, फिर भी आज थोड़ा सा ही खा लेंगे। तो चलिए गाइस, पहले खाना खा लेते हैं, फिर बाद में बातचीत करेंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6:30, और आ चुके हैं घर पे, सारा काम निपटा गए। आज गर्मी का प्रमाण इतना बढ़ चुका है ना 2 दिन से, तो पूरा हालत ही खराब हो गया, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। धूप से अभी अभी घर से आए। चलिए इधर हमारा ये देख लो, पांजा देख रहा है टीवी, रोहित भाई कर रहे हैं आराम। और चलिए देखते हैं किचन में क्या कर रहे हैं। चलिए तो बता दीजिए क्या बनाने का है? तो चना के लोट के पुडले बनाने के, किसके लिए बना? सभी के लिए बनाने के, तो सभी के लिए सना के लोट के पुडले बनाने। और इधर ओनियन चीनी जा रही है, और आँख में से पानी भी जा रहा है, तो सभी ऐसा चल रहा है। तो अभी देखते हैं सना के लोट के पुडले किस तरह से बनाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। सो गाइस, काफी दिनों से ना टेरिस पे नहीं गए हैं, तो टेरिस पे जाके देखते हैं पौधे पौधे का क्या हाल है, क्योंकि अभी मम्मी तो नहीं है, तो पानी कोई डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते है। तो चलिए पहुंच चुके हैं टेरिस पे, और देख लीजिए क्या ब्यूटीफुल सनलाइट आ रही है। इधर हमारे पौधे की हालत कुछ इस तरह से दिख रही है, इसमें तो फूल ही नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसा सिंपल सा, ये लेमन का पौधा है, अभी लेमन कब आते हैं देखते है, वो वाला मुझे पता नहीं है। और इस साइड पे हमने जो डाला था, ये लग रहा है ये नहीं होगा, सूख गया है। और इसमें फूल आते हैं फिर इस तरह से हो जाते हैं, देख लो, और क्या बढ़िया ब्यूटीफुल सनलाइट भी निकल के आ गया है। तो पंछी भी देख लो, अभी ऊपर हम पंछी को दाना रोज डालते हैं, पापा रोज सुबह जल्दी डाल देते थे, हम थोड़ा सा लेट उठते हैं तो लेट डालते हैं, वहाँ पे भी देख लेते हैं कि हमारे दाने हैं क्या नहीं है। चलिए तो ऊपर चढ़ गए हैं, तो दाने तो काफ़ी सारे डाले हुए हैं, और इधर पानी सूख गया है, तो पहले पानी भी डाल देते हैं। तो फाइनली पानी डाल दिया है, अभी देखते हैं, सोलार सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वो नहीं, अभी अभी किसी ने साफ किया ऐसा लग रहा है,
मुझे लगा काफी दिनों से नहीं साफ किया होगा और पानी डाल दिया है, तो पानी डाल के आ चुके हैं नीचे। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि हो सके तो आपके टेरिस पे भी पंछी को दाना बाना डालिए सुबह उठ के, और पानी के कुंड रखिए, क्योंकि अभी समर की सीजन इतनी चल रही है, हमको पानी नहीं मिल रहा है तो कैसा होता है, तो पंछी को भी नहीं मिल रहा होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेरिस पे ऐसे कोई भी बर्तन रख के उसमें पानी भरिए, क्या क्योंकि कबूतर आके पानी पी सके। हम तो रखते ही है, लेकिन क्या होता है अभी समर में क्या होता है, सुबह पानी डालते हैं ना तो दोपहर या 5-6 बजते हैं ना तो पानी पूरा सूख जाता है। तो हो सके तो आप भी डालिए, इसलिए अभी मैं देखने आया था कि पानी सूखा है कि नहीं। तो चलिए अभी नीचे जाते हैं और देखते हैं पुडला का प्रोसेस कहाँ पे पहुँचा है। चलिए पहुँच चुके हैं नीचे और पुडला बनने का स्टार्ट हो गया है, सारे सामान आ गए हैं। तो पूछते हैं क्या क्या सामान आपने लिया है, तो बता दीजिए क्या क्या सामान लिया है आपने। गाजर, कांदा, अदरक, मेथी, लहसुन। तो भाई ये सब मिला के अभी इसमें जाएगा सने का लोट। दादा ने खाया था ना, दादा को खाने का था ना, इसलिए छीन के डाला। टमाटर नहीं आता इसमें, तो रवा मैदा का बनाते उसमें आता है, तो इसमें टमाटर नहीं आता है। ओनियन अजमा भी डाला है, दादा को खाने का है ना इसलिए हमने छीना था, वरना हम कटकी करके डालते है ना। और क्या है, मरसा क्यों साथ में लिया है, वो भी डालने का है। अभी दादा ने शेक हुआ है ऐसा है, तो मरसा साथ में देंगे और हमारे लिए बनेगी रोटी, दोपहर की पड़ी है वो तल के चाय खाएंगे। तो देख लीजिए भाई सना का लोट भी जा रहा है इसके अंदर, तो बता दीजिए कि कितने सना का लोट लेने का है। हमारे घर में तो सेल हो गए तो उस हिसाब से हम लेंगे। अभी दो दो आएगा सबके भाग में। अभी इसके अंदर क्या डालने का है, मसाला तो डाल दिया ना, अरे हरदर ने मीठू ने ऐसा है, तो इसके अंदर अभी जाएगा अंदर मीठू नमक तारा जीनू जो भी डालना है वो डाल दो और जल्दी से खिला दो, भूख बहुत लगी है क्योंकि दोपहर को बनाई थी खिचड़ी तो मैंने ज्यादा खाई नहीं थी। आप मैंने शाक रोटी नहीं खाई थी ना, क्योंकि सुबह सुबह जब खाता हूँ तो दोपहर को नहीं चलता। अभी इसके अंदर जा रहा है हल्दर, अदरक, हल्दर को क्या बोलते है हिंदी में मालूम है तेरे को, तो ये क्या है, ये हिंग। और अभी जाएगा लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, रेशम पट्टा है ना। तो देखिए हमारा बहुत ज्यादा तीखा नहीं होता है क्योंकि घर में तीखा कम खाने वाले हैं और मीठा ज्यादा खाने वाले हैं। तो बस अभी इसके अंदर छाछ डालने का है, दोनों डालने का है, ऐसा है। तो दही डाल देते है ना, दही तो इससे ज्यादा खट्टा रहता है। चलिए भाई इसके अंदर क्या डाल दिया है पता नहीं, नीचे दादा के पास जाना पड़ा तो क्या डाल दिया बता दीजिए। मसालों तुम जो है ना, वही डाला था। उसके बाद छाछ और पानी, तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर देना है। हम ना बहुत ठीक नहीं बनाएंगे, हल्का सा ही बनाएंगे क्योंकि दादा को खिलाने का है, इसलिए पतला सा अच्छा से उससे अच्छा तो झाड़ा ही अच्छा रहता है ना। तो झाड़ू खीरू झाड़ू बेटर था ने, तो हम झाड़ा ना भाखरी जेवा झाड़ा था ने, एकदम आपरे पतलू थोड़ू करी ना एकदम मस्त पोचा ने वाला था। ऐसा है, तो अभी देखते हैं किस हिसाब से बनता है, हमको तो पता नहीं है। आई थिंक मैंने रेसिपी भी पहली बार ही ली है, एक बार मैंने खाया था जब मेरे को ताव आया था, तब मैंने खाया था। ऐसे ही अच्छा है, इसमें सना का लोट आता है ना तो प्रोटीन भी मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो जब भी हमारे घर में किसी को ताव या सब आता है तो हम यही खाते है। सर्दी में भी अच्छा है, सर्दी का तोड़ देता है। तो चलिए अभी कितना टाइम लगेगा बनाने में, चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे पुडले बनाने के लिए। तो गैस हो गया चालू और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको साफ करने का है क्या, लोटी, चना का लोटी है। तो ऐसा मेरे को लगा कि मालिया में रख दिया होगा, तो ऐसे ही तो नीचे रखा हुआ है। तो चलिए हमारा अभी इसके अंदर जाएगा तेल वाला, तेल से पहले वो करेंगे, फिर अभी तो आधा तो सब कुछ मुझे बनाने का आ गया है ऐसा लग रहा है, रेसिपी दे के क्या बोलती है वो अभी देख लो। सबसे पहले इस तरह से आपको तेल लगा लेना है, लेकिन मुझे कुछ अभी नहीं आ रहा है बनाने का चाय के अलावा, तो कभी हो सकेगा तो हम चाय बनाएंगे, उसके अलावा तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता है। और भाई ये
किचन में गर्मी का प्रमाण देख लो भाई, इतना हो गया है ना कि पूरा का पूरा पसीना, आज पूरे दिन सुबह से मैं पसीना ही, मेरा पूरा टी शर्ट भीग जाता है, शाम को ना के फिर दूसरा कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो ऐसा हो रहा है भाई, गर्मी का अभी बारिश का प्रमाण घट गया है तो गर्मी आएगी। बीच में अच्छा था, दो तीन दिन बारिश आ गई ना, ठंडू वेदर। हाँ ऐसा है, अभी देखते हैं, चलिए पुतले किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले तेल लगा के उसके बाद ना ये डाल देने का इसके ऊपर। मुझे लग रहा है ज्यादा वेजिटेबल वाला हो जाएगा, क्या लगता है? इस रीते बने वैसे हाँ जाए तो चना लोड खा लिए वेजिटेबल के हिसाब से फट जाएगा नहीं नो थाई देख लो पर अब तो खमणी नहीं खुसे ले क्या थी थाई ऐसा है। हाँ तो अभी देखते हैं किस तरह से बनता है। गाइस तो पुतले हो चुके हैं रेडी और देख लो एक वाला इधर बन गया है रेडीमेड बहुत अच्छा। और देख लीजिए हमारा जय भाई आगे कहाँ पे गया था। हाँ देख लो जो इस तरह से होना चाहिए पूरी तरह से अच्छा। तो देख लीजिए वापस से तेल लगाए जाए, गर्मी में ज्यादा तेल लग के खाएंगे तो क्या होगा। हाँ? तेल तो क्या वो बात तो सही है लेकिन बहुत ज्यादा तेल जाएगा इसमें। तो चलिए अभी इस तरह से बन गया, खाने के लिए सबको बिठाएंगे। ज्यादा के लिए मिर्चे भी चेकने लगे है, दो मिर्चे देंगे और दो देंगे ये वाला पुटले और सास देंगे। तो बस इस तरह से हमारे पुटले का प्रोग्राम आज का था। तो अभी थोड़ा सा मेरे को खाने के लिए बैठना पड़ेगा, जल्दी थोड़ी सी नीचे जाना पड़ेगा दवाई बवाई देने के लिए। तो पहले मैं नीचे जाता हूँ क्योंकि खाने से पहले भी एक दो टिकड़ी देने की, तो वो दे के आता हूँ फिर कंटिन्यू। गाइस तो दवा दे दी है और दादा इधर खाने के लिए बैठ गए और जय भाई को गाँव से फोन आया है किसी का, उसके साथ बात कर रहे तो हम जाते हैं ऊपर, जब तक खाते हैं तो पहुंच चुके हैं ऊपर। और इधर अभी देख लेते हैं, अभी पुडले बनने का काम चालू हो रहा है, सभी के पुडले सभी के पुडले बन जाएंगे। उसके बाद ना मेरी दो रोटी को क्या बोलते तल तिल के खाने का है, तो रोटी हो जाएगी तो मैं तब खाने बैठूंगा। तो ये सब लोग अभी बारी बारी खाने बैठ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको वीडियो में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया वो कमेंट करना और लाइक करके शेयर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवा दो, अभी 6K तो हो ही गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको ये वीडियो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ अच्छे नए कंटेंट के साथ, जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक ये वीडियो एंजॉय करो। बाय।